हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विधास लाइफस्टाइल। ये ट्रांसपेरेंट टैकल बॉक्स बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस बने होते हैं। इसमें आप इजीली कोई भी निकनैक चीज़ रख सकते हैं। मैं इसे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए रखी हूँ। इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें कि मैं अपना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रखी हूँ। आजकल सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये देखिए, ये मेरा फेवरेट पीस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ये बॉक्स। ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये इसमें होता ये है कि सारा ज्वेलरी इजीली विजिबल है, और सेकेंडली इसमें डिफरेंट सेक्शंस होने के कारण सारा ज्वेलरी जो है आपस में मिक्सअप नहीं होता है। इस टैकल बॉक्स में मैं सारा गोल्डन ज्वेलरी रखी हूँ। ये देखिए, ये मेरा बड़ा टॉप्स है, इसमें छोटे छोटे पर्ल्स लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप पहनो इसे। तो फिर ये देखिए, ये हैंगिंग्स है। ये ऐसा बॉक्स है जिसमें कि सारा कुछ आप अलग अलग तरीके का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है रखने में, आप रख भी सकते हो। प्लस सनलाइट का इस पर इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसके ऊपर लिड लगी हुई है तो एयर टाइट रहता है, इस मॉइस्ट प्रूफ रहता है। इसलिए ये बॉक्स बहुत ही अच्छा है स्टोरेज पर्पस के लिए। इस टाइप का ऑर्गेनाइजर भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये मेनली ज्वेलरी पर्पस के लिए आता भी है और आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा ये, जहाँ की इस टाइप का बैग्स वगैरह छोटे छोटे बनते हैं वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें भी बहुत सारे चेन्स लगे हुए हैं, पाउच बने हुए हैं। इसमें भी आप अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट होता है ये। ये सेपरेट स्मॉल बॉक्स एक रखती हूँ, इसमें सारा स्टॉपर कलेक्ट करके रखती हूँ क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में नीड हो जाता है। रिंग्स रखने के लिए मैं इस टाइप का बॉक्स प्रेफर करती हूँ। ये बॉक्स बहुत ही ईजिली मिल जाता है कहीं भी, जहाँ पे आपको ज्वेलरीज वगैरह मिलता है उनके शॉप पे ये इजीली स्पेयर में मिल जाता है। वैसे आप इसे घर में भी बना सकते हो, बनाना बहुत आसान है, सिंपल फोम से ये बनता है। इस बॉक्स में मैं सारा फिंगर रिंग्स अपना रखी हूँ। ये सारे लोकल मार्केट्स, एग्जीबिशन, टूरिस्ट प्लेस से सारा कलेक्ट करके रखी हूँ मैं। हैंडक्राफ्टेड रिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस टाइप का हैंडक्राफ्टेड रिंग्स भी रखी हूँ। बारीक रिंग्स, सिल्वर, सारा कुछ मैं इसी में ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। बड़े रिंग्स के लिए मैं इस टाइप का बॉक्स रखी हूँ। ये मैं खुद बनाई हूँ घर पे। सिंपल बॉक्स को लेकर के बिग बिग रेक्टेंगल शेप में कट कर ली हूँ। इससे ये होता है कि सारा बिग रिंग्स जो है अच्छे से प्लेस हो गया है। ये मिनी बॉक्स मैं ओनली फॉर नोज पिन रखी हूँ। वैसे मैं नोज पिन पहनती नहीं हूँ, बट कभी स्कूल में फंक्शंस के लिए मुझे अपनी डॉटर के लिए रखना पड़ता है तो मैं ये क्यूट लिटिल नोज पिन मैं इसी में रखी। तो इस तरह से मैं अपना सारा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज की हुई हूँ और इसे मैं इस तरह से प्लेस की हूँ। बैक पे मैं एक छोटा सा लैम्प रखी हुई हूँ जिससे कि थोड़ा ये प्लेस अट्रैक्टिव लगता है।
इसमें ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स और नोज पिन, ये सेक्शंस मेरा बस इसी पर्पस के लिए है। आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना नेकलेस, चोकर्स वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विधास लाइफस्टाइल।